आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। चाल चलन से शुभ चचेरे भाई ने की थी महिला की हत्या। 24 घंटे में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मामला जगह थाना क्षेत्र के ग्राम अमहिया का। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। प्रेमी ने की थी अपने साथी के साथ मिलकर अपने प्रेमिका की हत्या। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मामला गुलहरिया थाना क्षेत्र का। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी आरओ और एआरओ को दिया गया प्रशिक्षण। एडीएम फाइनेंस ने कहा 8 जुलाई को नामांकन और 10 जुलाई को होगा मतदान और मतगणना। तीन शातिर लुटेरों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरामद की लूट के जेवरात, एक तमंचा, 1 किलो, 100 ग्राम अवैध गांजा और 3000 नकदी। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर भाजपाइयों ने किया याद, दीप प्रज्वलित कर किया वृक्षारोपण, दी श्रद्धांजलि। नगर निगम परिसर में स्थित म्यूजिकल फाउंटेन पार्क जल्द होगा शुरू। नगर आयुक्त ने कहा बन रहा है चाट गली, लोग ले सकेंगे भारतीय और चाइनीज फूड का स्वाद। लाल डिग्गी पार्क में भी लग रहा है म्यूजिकल फाउंटेन। पंचायती राज के संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में संपन्न हुई सामुदायिक शौचालयों को स्वयं सहायता समूह को हैंडओवर करने संबंधित बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। कोविड वैक्सीनेशन की बड़ी रफ्तार, मंगलवार को जिला अस्पताल सहित 112 केंद्रों पर 25,127 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। सीएमओ ने कहा शहरी क्षेत्रों के साथ सीएससी और पीएससी पर भी किया गया वैक्सीनेशन, नहीं है वैक्सीन की कमी, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती पर महापौर सहित पार्षदों ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, उनके बताए रास्तों पर चलने का लिया संकल्प। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,307। अब तक 842 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 60 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। नगर निगम द्वारा तारामंडल क्षेत्र में चलाए गए नाला सफाई अभियान का नगर आयुक्त ने किया स्थलीय निरीक्षण। 50 कर्मचारियों और पोकलैन मशीनों से नालों की कराई जा रही है तल्ली झार सफाई, जिससे मिल सके जल भराव से निजात। गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी इन केमिकल साइंसेज विषय पर वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। वर्चुअल रूप से शामिल हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और प्रोफेसर। भारतीय जनता पार्टी महानगर के आईटी सेल के संयोजक और सह संयोजक की हुई नियुक्ति। महानगर अध्यक्ष ने दी शुभकामनाएं, कहा 2022 के चुनाव में आईटी सेल का है महत्वपूर्ण भूमिका। और कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए शासन के निर्देश पर लगाए गए नाइट कर्फ्यू का मंगलवार को भी देखने को मिला आंशिक असर। एसपी सिटी ने कहा करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहें सुरक्षित।